हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही चटकारेदार बैंगन आलू की मज़ेदार सब्ज़ी। ये देखिए, हमने सब्ज़ी बनाकर भी तैयार कर लिया है। अब हम इसके बाद हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें हम 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम उसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और थोड़े से हींग। ये सब हम तड़कने देंगे। ये देखिए, हमने लहसुन अदरक मिर्च ये सब हमने काट के रख लिए थे बारीक से, इसको भी हम डाल देंगे कढ़ाई में। अच्छे से इसको तड़कने देंगे। इसके बाद हम 1 टीस्पून पचफोरन डालेंगे। ये सारे हम अच्छे से पकने देंगे। फिर इसके बाद हमने 1 पीस छोटे से प्याज भी कट की हुई थी, इसको भी हम डाल देंगे उसी कढ़ाई में और सारे हम अच्छे से पकने देंगे। अब हमने टमाटर डाल दिया है और सारे हम पलटे की मदद से चला लेंगे। हमने चला लिए हैं। अब हम बैंगन, जो हमने बैंगन काट के रखे हुए थे ना, हमने इसको धुल करके कढ़ाई में इसको डाल दिए हैं और इसको पलटे की मदद से अच्छे से चला लेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। फिर हम आलू, हमने 2 पीस कटे हुए थे, वही हम कढ़ाई में डाल करके ये दोनों हम साथ में अच्छे तरीके से भूनेंगे 2 मिनट के लिए। इसके बाद हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। हमने हल्दी भी डाले हैं 1/2 टीस्पून और नमक भी डाल दिए हैं स्वाद के अनुसार। 1/2 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर भी डाले हैं और हम अब पलटे की मदद से इसको चलाएंगे सब्जी को। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे और इसको हम बराबर से चला लेंगे। इसके बाद हम 1 टीस्पून गरम मसाला डाले हैं। फिर इसके बाद हम पलटे की मदद से चलाएंगे ताकि हमने जितने मसाले डाले हों अच्छे तरीके से मिलता जाए। अब इसको हम ढकेंगे, ढक करके हमको थोड़े थोड़े देर में पका लेना है। अब हम 1/2 गिलास के करीब पानी डाले हैं और इसको हम अच्छे से चला करके पलटे की मदद से मिला लेंगे। सारे सब्जी आलू अच्छे से मिल जाए और इसको हम प्लेट से हम ढक देंगे सब्जी को और फिर उसको हटा करके चेक कर लेंगे सब्जी हुआ है कि तैयार कि नहीं। ये देखिए, हम सब्जी मेरा हो ही चुका है लगभग। अब इसको हम चला रहे हैं, ऊपर से हमने धनिया से गार्निश भी कर दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बहुत ही चटकारेदार और मज़ेदार सब्जी को बना करके तैयार कर ली है। ऊपर से हम आमचूर पाउडर भी डाल दिए हैं। ये आमचूर पाउडर डालने से बहुत ही टेस्टी स्वाद हो जाता है सब्जी का, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसको हम मिला लेते हैं पलटे की मदद से अच्छे तरीके से। इस तरीके से हम चला लेंगे अच्छे से। फिर इसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू बैंगन की मज़ेदार सब्जी हमने तैयार कर ली है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।